presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सिंपली सपोर्टेड व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर लोड टू द होल बीम, तो इसके जो सेंटर में जो है व्हाई इट इज WL स्क्वायर बाय 8 एंड व्हिच इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और इसके जो एंड है बोथ एंड पे सिंस ऑल द सिंपली सपोर्टेड बीम्स आर फ्रीली रोटेटेड अलाउड टू फ्री रोटेट एट द एंड्स, तो इसके एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट जीरो के होती है. मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें. यदि इस चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, कमेंट्स करें, अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. लेट अस स्टार्ट द वीडियो. दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम. ये इंडिकेशन है दो सपोर्ट है हमारे, और दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू UDL. ओके, और इसकी जो लोडिंग पैटर्न है दिस इज W केजी हो या जो भी हो, केजी हो न्यूटन हो, W पर यूनिट लेंथ, इसकी आपकी वेट हो गई UDL की W पर यूनिट लेंथ. दैट इज अगर न्यूटन में है तो जैसे 5 न्यूटन पर मीटर हो सकती है, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर हो सकती है, जो भी हो जो स्पेन दिया हुआ है उसके है. तो अपना अभी स्पेन तो आप ये ले लेते हैं, दिस इज L. ओके, और दिस इज द लोड. तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी सबसे पहले देखेंगे इसकी सपोर्ट रिएक्शन सब निकालेंगे. इसमें सपोर्ट रिएक्शन लेटर दिस इज R, ये अगर B दे दे हम, देन दिस इज R A एंड दिस इज R B. ओके, दिस इज इंडिकेशन. R1 भी लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं. नाउ सबसे इसकी इजी यह है कि सबसे पहले हमें कोई भी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस एट बोथ द एंड. नाउ स्टेप वन में फाइंड सपोर्ट रिएक्शन. ओके, सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे. इसके लिए आपको इज वेरी इजी, ये आर ए और आर बी, देर आर ओनली टू सपोर्ट और टोटल लोडिंग जो है इनफॉर्मली है, कोई देर इज नो वेरिएशन इन द लोड पुट ऑन द स्पेन. तो इस केस में क्या करेंगे, टोटल लोड डिवाइडेड बाय दो ही सपोर्ट है अपना, तो दोनों सपोर्ट पे हमें क्या हो रहा है, से दो कंधे है, अगर यहां पे लोड रख रहे हैं तो दोनों कंधे पर समान लोड आएगी. कई बार आप देखते हैं कि एक साइड में लोड नहीं रखना है, इधर दब जाती है तो यहां दर्द वगैरह हो जाते हैं, तो हमेशा लोग क्या करते हैं, बैग वगैरह बीच में रखते हैं, सो दैट दोनों साइड पे लोड बिल्कुल समान पड़े, दोनों हाथों पर या दोनों शरीर के बाजुओं पर. तो सेम चीज हियर इज, यदि आपकी लोड टोटल लोड यहां पे आ रही है तो इसको हमको आर ए इक्वल टू आर बी, दोनों बराबर होंगे, और क्या करना है, जो भी लोड आ रही है W इंटू एल जो हो गई, दिस इज टोटल लोड पर मीटर में आ गई, तो W जो भी है पर मीटर में इंटू एल कर देंगे, लेंथ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई आप 2 कर दीजिए. सो हियर W L बाई 2 एंड W L बाई 2, टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2 विल बी द सपोर्ट रिएक्शन. सपोर्ट रिएक्शन एट
ईच एंड। ओके, तो हमें इसका लोड मिल गया, हमें रिएक्शंस मिल गए। अब हम देखते हैं आगे कि हाउ टू ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस यूडीएल में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। शेयर फोर्स का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? शेयर फोर्स का जो मेन फंक्शन है किसी भी बॉडी को, ये दिस विल बी स्प्लिट इन टू पार्ट लाइक दिस, दो सेक्शन में होगी, वन विल बी गोइंग अप एंड अदर विल बी गोइंग डाउन। ओके, शेयर फोर्स नथिंग बट इट इज द ट्रांसवर्स लोडिंग, ट्रांसवर्स टियरिंग ऑफ द बीम सेक्शन इन द टू पार्ट, दैट इज कॉल्ड शेयर। जैसे खीरा वगैरह जो काटते हैं, खीरा इसको काटते हैं अगर चाकू से तो दो पार्ट में हो जाती है, वन पार्ट एंड वन पार्ट एंड टू पार्ट, ड्यू टू शेयर अप्लाइंग योर शेयर फोर्स एट द मेटीरियल। आफ्टर अप्लाइंग लोड इफ द बॉडी पार्ट गोइंग अप देन इट विल बी पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम एंड द अदर पार्ट एडजोइनिंग टू द लेफ्ट पार्ट विल बी गोइंग डाउन एंड इट विल नेगेटिव। अदर थिंग ऑलवेज रिमेंबर, तो एस एफ डी की जो शेप होगी क्या होगी और बीएमडी की शेप क्या होगी, प्लीज रिमेंबर इट। यदि इफ द बीम इज लोडेड विथ यूडीएल, ओके, यदि कोई भी लोड अगर यूडीएल पे होती है देन शेयर फोर्स विल बी योर लीनियर वेरिएशन इस शेप में होगी, पैराबोलिक, पैराबोलिक एंड दिस इज लीनियर वेरिएशन। नाउ लेट अस फाइंड द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ दिस बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल। इसके लिए सबसे एक मेथड है जो कि काफी यूजफुल होगी आपके लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू टैक वन सेक्शन हियर, ओके, तो सेक्शन आप लेंगे तब आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ओके, ये आपकी हमने सेक्शन लिया, यहां से काट दिया, तो ये है आपकी डब्लू पर यूनिट लेंथ और ये आपकी हो गई एक्स, ओके, और एंड दिस इज आर ए डब्लू एल बाई टू, जैसे हमने निकाला है। तो इस कोई भी इस बीम में एक सेक्शन लेंगे एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सपोर्ट ए। अब देखिए एस एफ डी के लिए शेयर फोर्स इज द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर लेफ्ट और राइट, तो हम लेफ्ट साइड में जो भी फोर्सेस है उसको हम सम करेंगे। तो हम अब ये निकालना है, सम करके देखिए शेयर फोर्स एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस एक्स, तो यहां पर क्या है, एक अपर फोर्स जा रही है, तो एस एफ एट एक्स मीन्स शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स, तो आपकी जो भी इसके लेफ्ट साइड में जो भी फोर्सेस है लोड है उसको हम सम अप करेंगे। यदि प्लस लेंगे तो अप हो गई, अब माइनस ले रहे हैं तो नीचे वाली के लिए लेंगे। फोर्सेस लोडिंग कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम यूडीएल के लिए हम माइनस लेंगे और इसके लिए हम प्लस लेंगे दिस लोड के लिए आरए के लिए। ओके, तो यहां पर क्या है, एक आरए है
प्लस ले लिए और माइनस ये डब्ल्यू इंटू एक्स, ये क्या है लोड पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ कितनी होगी एक्स, तो यहां पर डब्ल्यू इंटू एक्स एक लोड हो गई, तो इसको हम लोग डब्ल्यू इंटू एक्स लेंगे। ये यूडीएल के लिए हो गई और ये आपके लिए हो गई। ओके, तो एक आपका एक फॉर्मूला हो गई एसएफ के लिए। ओके, दिस इज वन फॉर्मूला डेवलप फॉर फाइंडिंग शियर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन। एसएफ की जो सेफ होगी वो होगी लीनियर वेरिएशन, जैसे मैंने बताया था सेक्शन में। तो इसको याद रखेंगे, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स विल बी आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स। अब क्या करेंगे, इफ इफ योर यहां एक्स इज इक्वल टू, यदि आप यहां जीरो रखेंगे, एक्स जीरो मीन्स एस एफ एट ए, इसको लिखेंगे एफ ए, क्या होगी यहां एक्स की वैल्यू डिस्टेंस विल बी जीरो। तो जो फॉर्मूला ए है उसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह हम जीरो पुट कर देंगे और आर ए कितना है अपना डब्ल्यू एल बाई टू है माइनस डब्ल्यू एक्स का वैल्यू जीरो सपोज ए के लिए। ओके, तो इसमें क्या होगी डब्ल्यू एल बाई टू, ये प्लस में होगी। ओके, तो वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स मतलब ऑर्डिनेट की जो भी हाइट होगी इट ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, जो कि सपोर्ट रिएक्शन है अपना। ठीक है, तो एक हम यह डायमेंशन कर लेंगे इस तरह से, और यहां पर कितनी हो गई डब्ल्यू एल प्लस में है तो हम इसको क्या करेंगे प्लस में देंगे इस तरह से। ओके, तो इसकी वैल्यू हो गई अपनी डब्ल्यू एल बाई टू, राइट। एफएक्स इक्वल टू आर ए माइनस डब्ल्यू एक्स, दिस इज फॉर्मूला। अब एक्स अब हम लेते हैं मिड में। ओके, मिड ऑफ दिस बीम, तो क्या होगी ये दिस विल बी एक्स विल बी एल बाई टू, जस्ट मिड में ले रहा है मिड मिड ऑफ द बीम। सो आर एट एल बाई टू दैट इज मिड ऑफ द बीम शेयर फोर्स, शेयर फोर्स मीन्स एफ एफ, ये आपकी एल बाई टू पे हो गई मिड पे, तो ये क्या होगा पुट एक्स इक्वल टू एल बाई टू। ओके, सो हियर वैल्यू ऑफ आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू माइनस ये डब्ल्यू लिख लीजिए और एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर एल बाई टू, एक्स विल बी हियर एल बाई टू सेंटर में, तो एल बाई टू लिख लीजिए, तब क्या हो गई है डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों कट गए तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो यू हैव सीन दैट व्हाई द शेयर फोर्स एट मिड इज जीरो ड्यू टू दिस सॉल्विंग ऑफ द न्यूमेरिकल। ओके, सो जस्ट प्रोजेक्ट हियर एट मिड ऑफ दिस बीम, और चूंकि एसएफ की वैल्यू यहां जीरो है तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे, दिस इज लीनियर वेरिएशन ग्राफ। तो इस तरह से हमने देखा कि यूडीएल में जो मिड में शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो कैसे होती है। अब हम आगे देखेंगे, ध्यान से आप देखिए, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप जरूर अपना
लाइक्स एंड कमेंट जरूर डालें, सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। अब आगे देख लीजिए, मीट में मिल गया SF, अब यहां एंड पॉइंट B पे क्या होगी? तो B पे अपना जो X है, X की वैल्यू हो जाएगी L, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर 0 टू L। तो X की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में जब डेवलप किया है शेयर फोर्स के लिए, वहां पर X की वैल्यू हम क्या करेंगे, L पुटअप कर देंगे। तो L पुटअप करने के बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू। ओके, तो F एट L मीन्स शेयर फोर्स एट एंड B, पुट X इक्वल टू L। तो यहां पर आर की वैल्यू तो आप जानते हैं, W L बाई टू माइनस W, और X का वैल्यू यहां हो गई L। ओके, तो अब यहां से आप देखें ये टू हेड वन, दो कॉमन ले लीजिए, W L माइनस ये टू W L, ये वन जस्ट मल्टीप्लाई हियर टू इंटू डब्ल्यू एल, देन दिस विल बी वन डब्ल्यू एल माइनस टू डब्ल्यू एल, यूर बी वन माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, हियर योर SF विल बी माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। तो आपके डब्ल्यू एल बाई टू जो माइनस हो रही है, तो यहां पर आपको यहां पर डब्ल्यू एल बाई टू यहां लिख दीजिए, माइनस डब्ल्यू एल बाई टू। और सिंस जैसे मैंने बताया कि शेयर फोर्स के लिए UDL के लिए योर SFD विल बी लिनियर वेरिएशन, तो आप इसको इस एंड को मिला लीजिए इस तरह से। ओके, ये लिनियर वेरिएशन, ये आपकी प्लस में आ गई और ये आपकी माइनस में आ गई। और यहां पर शेयर फोर्स डायग्राम लिखना नहीं भूले, SFD। सो आपने देखा कि वेन ये सिंपली सपोर्टेड लोडेड विद द UDL, दोनों शेयर फोर्स जस्ट इट यू मिरर इमेज, जो मिड है उसके लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू होती है आरए के बराबर, और राइट साइड में यहां पे क्या होगी, इसकी शेयर फोर्स वैल्यू माइनस होती है और इसकी वैल्यू होगी एबी होगी आरबी के बराबर। और दिस इज लिनियर वेरिएशन, हाइएस्ट एट द सपोर्ट ए एंड इट विल बी जीरो एट द मिड ऑफ द बीम, मिड ऑफ द स्पैन, वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स इज जीरो। सो यू हैव सीन द हाउ आई हैव ड्रॉन द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द सिंपली सपोर्टेड विथ UDL। आगे वीडियो में देखिए, इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट अपना कैसे जीरो होती है और मिड पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, WL स्क्वायर 8 क्यों होती है, इसको हम एनालिसिस करके देख लेंगे। दिस इज वेरी फंडामेंटल एनालिसिस, यदि आप इस एनालिसिस को समझते हैं देन योर न्यूमेरिकल, एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल विल बी वेरी इजी फॉर यू। नाउ लेट अस फाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगी। वन, ये आपकी सपोर्ट्स पे और मिड स्पैन, व्हाट विल द बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट्स एंड मिड स्पैन। तो इसके लिए फिर से एनालिसिस करेंगे, यू जस्ट डेवलप वन एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जैसा मैंने सेक्शन जैसे काटा था वैसे सेक्शन काट लीजिए, जस्ट कट वन सेक्शन हियर एक्स एक्स, ये आपकी डब्ल्यू है। ओके, दिस इज डब्ल्यू फॉर यूनिट लेंथ एंड दिस इज एक्स, दिस इज आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। ओके,
तो बेंडिंग मोमेंट क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, फोर्स इनटू डिस्टेंस आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट एट ए पर्टिकुलर सेक्शन विल गिव द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दैट काइंड्स ऑफ स्पैन बीम। तो जैसे बीम लोडिंग है, ये तो हमें आइडिया है कि इसकी जो भी ग्राफ बनेगी दिस विल बी लाइक दिस, ओके, दिस विल बी सैगिंग, यूडीएल के लिए पैराबोलिक एंड सैगिंग। सो लेट अस सी बेंडिंग मोमेंट एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए, ओके, दिस विल बी एम एक्स। एम एक्स मीन्स बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, हियर दिस सेक्शन निकाल रहे हैं, एक एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे हैं, आई एम डेवलपिंग ऑन एक्सप्रेशन। हियर आर ए विल बी फोर्स इन डिस्टेंस, मीन्स आर ए इनटू दिस इज एक्स एंड दिस इज क्लॉकवाइज, सो आई एम टेकिंग क्लॉकवाइज मोमेंट एज ए पॉजिटिव, ओके, अगेन माइनस दिस इज W and it is X. So WX is the load and acting at this center. Okay. And this will be anti-clockwise about the section X. So take minus. So anti-clockwise take minus. Load hoga aur distance kaun si hogi? Distance will be, it will act at center. So distance will be x by 2, so here this is load and this is this x by 2 and anticlockwise, so you have put minus sign here. So aapki ek expression ban jati hai, rm is w l by 2 x minus w x squared by 2. This is expression for bending moment diagram at a particular section X. So MX is equal to WL by 2X minus WX square by 2. This is A, expression A. अब हम देखते हैं कि इसकी सपोर्ट पर, दोनों सपोर्ट पे कैसे बेंडिंग मोमेंट जीरो होती है। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां एक जो डिस्टेंस है दिस इज जीरो, सो पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन एक्सप्रेशन ए, सो एम एक्स जीरो विल बी डब्ल्यू एल बाय टू एंड हियर एक्स विल बी जीरो एट द सपोर्ट, अगेन डब्ल्यू इंटू जीरो एक्स इजकल टू जीरो बाय टू, यू विल गेट जीरो हेयर फॉर द सपोर्ट ए, यू विल गेट जीरो। साइड बाय साइड आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर द बेंडिंग मोमेंट। This is A and this is B. Here you find bending moment zero. So I had zero. Let us find bending moment at mid of the beam where your distance will be L by 2. So put here in this expression X is equal to L by 2 to find the value of shear bending moment at the mid of the span. So here M, here will be L by 2, mid of the span will be WL by 2 into X ki value of L by 2 rakhiye minus W into X ki value L by 2
होल स्क्वायर ओके डिवाइड बाय टू. जस्ट हियर इन दिस एक्सप्रेशन पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल बाय टू एंड यू विल गेट हियर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय फोर जस्ट मल्टीप्लाई इट माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय फोर इफ यू कैलकुलेट दिस एंड दिस विल बी वन बाय टू. सो यू विल गेट हियर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट. ओके सॉल्व दिस. ओके टेक कॉमन एट एंड हियर टू डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर. ओके इफ यू सॉल्व दिस देन टू डब्ल्यू एल स्क्वायर एंड दिस इज डब्ल्यू एल स्क्वायर इफ दिस विल डब्ल्यू एल स्क्वायर एंड दिस एट. ओके सो एट द मिड ऑफ द स्पेन योर बेंडिंग मोमेंट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट. सो हम कैसे ये दिस इज पॉजिटिव सो राइट हियर दिस इज पॉजिटिव एट द ऑर्डिनेट वैल्यू इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट. ओके सो दिस विल बी ए पैराबोलिक कर्व. सो जस्ट ड्रॉ ये पैराबोलिक कर्व हियर लाइक दिस राइट राइट हियर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ओके सो यू हैव सीन दैट हियर शियर फोर्स वाज जीरो एट द मिड ऑफ द स्पेन यू गोट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बी एट इन द बीम विथ यूडीएल एंड सिंपली सपोर्टेड. ऑलवेज रिमेंबर दैट बोथ एंड्स वैल्यू इज जीरो वाई इन एनी सिंपली सपोर्टेड बीम द एंड्स आर फ्री टू रोटेट. दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम. इन दैट केस देयर विल बी वैल्यू जीरो सिंस फ्री टू रोटेट. इफ इज बॉडी फ्री टू रोटेट नेचुरली बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो सिंस देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ मोमेंट. तो दैट वाई देयर इज ए एंड्स बोथ वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट जीरो एंड आई हैव ऑल्सो ड्राइव फ्रॉम द फॉर्मूला एंड यू हैव वेरीफाइड इट. वीडियो को आप दोबारा देखिए इसको इसको अच्छे समझे और अगर वीडियो में समझ में आ रही होगी तो जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर मिलते रहे. लाइक्स एंड कमेंट डालना ना भूले. थैंक्स यू वेरी मच. जय हिंद. प्लीज अटेंशन हियर. आई रिक्वेस्ट माय ऑल सब्सक्राइबर्स एंड न्यू पेज विजिटर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें.